जनपद में मंगलवार को भी ठंड व शीतलहर लगातार सड़कों पर बना हुआ है, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से शीतलहर अभी चल रहा है, 12 जनवरी तक इसी तरह से स्थिति अभी बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर अभी और कुछ दिनों तक बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो पूर्वोत्तर के जनपद है, खास तौर से नेपाल बॉर्डर से सटे जो जनपद है, यह सभी रेड जोन में है, वहां पर शीतलहर की संभावना बनी रहेगी। यहाँ अधिक घना कोहरा रहने की संभावना बनेगी। अभी 12 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा। जो लोग बाहर से खिचड़ी मेले में आ रहे हैं, उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। जो गोरखनाथ मंदिर रेलवे स्टेशन के निकट बनाया गया है, वहां पर रुककर अपने आप को शीतलहर से बचा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसमें कार्य किए जा रहे हैं। 45,000 से अधिक जिला प्रशासन द्वारा कम्बल लोगों में वितरण किया जा चुका है। वही नगर निगम द्वारा भी कम्बल वितरित किए गए हैं और नगर पंचायतों द्वारा भी कम्बल वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि सारे संगठन हैं जो कि असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं और लगातार बेसहारा और असहाय लोगों की मदद की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, मेरा नाम है विरोध गुप्ता। और ठंड काफी बढ़ गई है, सब किस प्रकार की समस्या हो रही है? ठंड से बहुत सारी समस्या है, जैसे कि क्या बोलते हैं, ठंड से बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कांप रहे हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो शीतलहर की जो स्थिति बनी हुई है, ये अगले 12 तारीख तक इसी तरह बने रहने की संभावना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार है। अभी शीतलहर कुछ दिनों तक और बनी रहेगी। 12 तारीख तक का उन्होंने पूर्वानुमान उपलब्ध कराया है, जिसके अनुसार जो ये पूर्वोत्तर के जो जनपद हैं, जो खासतौर से नेपाल बॉर्डर से सटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सभी रेड जोन में हैं, तो इसलिए शीतलहर की संभावनाएं इधर बनी रहेंगी। कोल्ड डेज बना रहेगा और डेंस फॉग रहेगा, डेंस टू वेरी डेंस रहेगा, यानी घने से अधिक घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो अभी ये मौसम जो है, वो अगले 12 तारीख तक इसी प्रकार शीतलहर बनी रहेगी। मैं जो भी लोग बाहर से खिचड़ी मेला पर्व पे आ रहे हैं, मकर संक्रांति पर्व पे बाहर से आ रहे हैं, यदि उन्हें ठहरने की कोई आवश्यकता है, तो वो हम लोग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जो रेलवे स्टेशन के निकट और गोरखनाथ मंदिर के निकट स्थापित हैं, वहाँ पर वो आश्रय ले सकते हैं और अपने आप को शीतलहर से बचा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। नियर अबाउट 47,000 प्लस, यानी 47,000 से अधिक कंबल जिला प्रशासन द्वारा वितरित किए गए हैं। नगर निगम द्वारा भी कंबल वितरित किए जा रहे हैं, नगर पंचायतों द्वारा भी कंबल वितरित किए जा रहे हैं। बहुत से स्वयंसेवी संगठन हैं जो आगे आकर के इस पर कार्य कर रही हैं, वो भी कंबल वितरित कर रही हैं। तो ये प्रयास है कि जो भी शीतलहर से प्रभावित व्यक्ति हैं या जो भी जिनकी आवश्यकता है, उन तक कंबल पहुंचे। अलाव की भी समुचित व्यवस्थाएं की गई है, जिसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो इस प्रकार जो शीतलहर के दृष्टिगत जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहा है। धन्यवाद।